हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आरबीआई गवर्नर के बाद अब पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य सुरजीत भल्ला ने दिया इस्तीफा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद अब अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया है। सुरजीत भल्ला इस परिषद में अल्पकालिक सदस्य थे। बता दें कि इस परिषद की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य विवेक देबराय हैं। इसके अलावा इस परिषद में राथिन राय, आशिमा गोयल और सामिका रवि पार्ट टाइम सदस्य हैं। सुरजीत भल्ला ने मंगलवार को ट्विटर के जरिए इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अस्थायी सदस्य से 1 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अपने इस ट्वीट में उन्होंने इस्तीफे की वजह नहीं बताई है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आरबीआई गवर्नर के इस्तीफे के बाद से मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार के दबाव की वजह से उर्जित पटेल को इस्तीफा देना पड़ा, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने तो आरबीआई गवर्नर के इस्तीफे को आर्थिक आपातकाल बताया। हालांकि उर्जित पटेल ने अपने इस्तीफे के पीछे की वजह निजी कारण बताए। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा था, मैं निजी कारणों की वजह से तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बीते सालों में आरबीआई के काम करना मेरे लिए गर्व की बात रही। इस दौरान आरबीआई के अधिकारियों, प्रबंधन और स्टाफ का भरपूर सहयोग मिला। मैं आरबीआई बोर्ड के सभी निदेशकों और सहकर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से आरबीआई और सरकार के बीच तानातनी की खबरें सामने आ रही थीं। यह टकराव इतना बढ़ गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक कानून की धारा 7 को लागू करने पर विचार शुरू कर दिया था। टकराव की स्थिति तब ज़्यादा बढ़ गई थी जब रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार की 3.60 लाख करोड़ रुपये की मांग को ठुकरा दिया था। राजस्थान में सरकार बनाने के करीब कांग्रेस। गहलोत बोले, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। राजस्थान में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन पर अशोक गहलोत ने भाजपा की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। राजस्थान में मतगणना के बीच कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने मीडिया से कहा कि भाजपा ने लगातार मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति की है। अच्छे दिन नहीं आए हैं और 2 करोड़ नौकरियां भी मोदी सरकार द्वारा नहीं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस मुक्त सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। कांग्रेस 76 साल पुरानी पार्टी है। इस समय राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बहुमत की ओर जाती दिख रही है। राज्य की 199 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 95 सीटों पर आगे है। साथ ही बीजेपी राजस्थान में 81 सीटों पर ही आगे है। रिजल्ट 2018 नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र होना चाहिए। उनका अली बजरंग बली फेल हो गया। 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। इन 5 राज्यों में बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। अभी तक आए रुझानों और नतीजों के मुताबिक बीजेपी की हार लगभग तय हो गई है। बीजेपी की यह हार टीवी चैनलों पर बैठे उनके प्रवक्ताओं के चेहरे और बोलने के तरीके से भी साफ नजर आ रहा है। चैनलों पर बीजेपी की इस हालत का विश्लेषण किया जा रहा है। पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछा जा रहा है कि मोदी लहर के जरिए पूरे भारत के नक्शे को भगवा कर देने का दावा करने वाली बीजेपी की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता अभी इन सवालों के से बचते नजर आ रहे हैं, मगर चैनलों पर बैठकर पैनलिस्टिक और एंकर लगातार 5 राज्यों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन इस विश्लेषणों में बीजेपी के ध्रुवीकरण की सियासत का कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है। एंकर बीजेपी प्रवक्ताओं से यह पूछते नजर आ रहे हैं कि क्या जनता ने अब ध्रुवीकरण की राजनीति को नकार दिया है। पूर्व समाजवादी पार्टी की नेता पंखुड़ी पाठक ने इसको लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, प्रिय मीडिया बंधुओं, थोड़ा विश्लेषण हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कर लीजिए। वह इस चुनाव में सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे और खूब बजरंग बली अली करके आए थे। इनकी राजनीति पर भी कुछ टिप्पणी हो जाए, धन्यवाद।
बताते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से आगे नजर आ रही है। वहीं तेलंगाना में सत्ताधारी टीआरएस पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ रही है और मिजोरम में एमएनएफ आगे है। अब तक के रुझानों के नतीजे, छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों को लेकर अब तक आए रुझान में कांग्रेस 60 सीटों के साथ आसानी से बहुमत हासिल करती दिख रही है, जबकि बीजेपी महज 20 सीट पर आगे चल रही है। वहीं 10 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों को बढ़त है। राजस्थान में अब तक आए 199 सीटों के रुझान में कांग्रेस 100 सीट पर बढ़त के साथ बहुमत हासिल करती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी 77 सीट पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में अब तक आए 230 सीटों के रुझान में कांग्रेस 144 सीटों पर बढ़त के साथ बहुमत के करीब पहुंच चुकी है, तो वहीं बीजेपी को 105 सीटों पर बढ़त हासिल है। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति 93 सीटों पर बढ़त के साथ 2/3 बहुमत हासिल करती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को 119 सदस्य विधानसभा में महज 18 सीटों पर बढ़त हासिल है। मिजोरम के शुरुआती रुझान में मिजो नेशनल फ्रंट 24 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस को महज 7 सीटों पर बढ़त है। 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में ढहा बीजेपी का किला, भारी बहुमत के साथ कांग्रेस बना रही है सरकार। 5 राज्यों की विधानसभा के लिए मतगणना अभी भी जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 15 सालों से सत्ता में रही भाजपा के लिए अब सत्ता से विदाई तय हो गई है। छत्तीसगढ़ से आए रुझानों के अनुसार राज्य में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत पर अपनी पकड़ बना ली है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 64 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 15 सालों से सत्ता में रही है। इन विधानसभा चुनाव में भाजपा को राज्य की लगभग 25 सीटों का नुकसान होने का अनुमान है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भाजपा को महज 18 सीटों पर सिमटने की उम्मीद है। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे नजर आ रही है। कुमार विश्वास ने कहा, बीजेपी नेताओं ने तो उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन गोदी मीडिया के एंकर अभी भी बचाव में जुटे हैं। 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। इन 5 राज्यों में बीजेपी की हालत खराब नजर आ रही है। अभी तक आए रुझानों और नतीजों के मुताबिक बीजेपी की हार लगभग तय हो गई है। बीजेपी की यह हार अब टीवी चैनलों पर बैठे उनके प्रवक्ताओं के चेहरे और बोलने के तरीके से भी साफ नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक जिसने हार नहीं मानी है वह पार्टी के नेता नहीं बल्कि गोदी मीडिया के एंकर हैं, जो बीजेपी के लिए आ रहे नकारात्मक नतीजों में भी जीत की उम्मीद तलाश रहे हैं। मीडिया के इस रवैये पर मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने तो उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन पार्टी के पक्षकार एंकर अभी भी बचाव में जुटे हैं। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर लिखा, पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं ने तो उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन टीवी के एंकर पक्षकार अभी भी बचाव में जुटे पड़े हैं। इसे कहते हैं निष्ठा। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे नजर आ रही है। वहीं तेलंगाना में सत्ताधारी टीआरएस पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ रही है और मिजोरम में एमएनएफ आगे है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं
तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।